अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेडियो फार्मास्यूटिकल। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सारा हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। बैकग्राउंड उसका मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए बताया था। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन जो हमने कल भी पढ़ी थी, ठीक है, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल बेसिकली होता क्या है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एक केमिकल कंपाउंड है जिसको हम रेडियो न्यूक्लाइड के साथ टैगिंग कर देते हैं, ठीक है। और इसलिए टैगिंग करते हैं ताकि वो सुटेबल फॉर्म में हमारे पास प्रिपेयर हो जाए, और क्योंकि हमने ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करना होता है इसलिए उसे सुटेबल फॉर्म में होना लाजमी होता है, ठीक है। और रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है, ठीक है, वो लो लेवल ऑफ रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। और जितने भी फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे पास प्रिपेयर होते हैं वो बेसिकली हमारे पास जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है, जिसको हम FDA भी कहते हैं, उससे अप्रूव्ड होते हैं, ठीक है। इसकी बेसिक डेफिनेशन आपके सामने दो दिखाई गई है, ठीक है। एक है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और रेडियो एक्टिव ड्रग्स फॉर डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक इंटरवेंशंस, ठीक है। सेकंड वन इज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप व्हिच आर सेफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमंस फॉर डायग्नोसिस और फॉर थेरेपी, ठीक है। हमने उनको ऐसे प्रिपेयर करना होता है ताकि वो हमारे पास सुटेबल फॉर्म में हो सके, क्योंकि हमने उन्हें ह्यूमन बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना होता है ना, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या सीन होता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो भी हम पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं वो तो दो चीजों के बने हुए होते हैं। एक तो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल मॉलिक्यूल्स का सीन ये होता है कि हमारी बॉडी में जो रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो पेशेंट की बॉडी में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट हुआ है, बेसिकली जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि भाई वो जो हमने रेडियो आइसोटोप या रेडियो ट्रेसर पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है वो उसकी बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सोर्स ये होता है, दूसरा पॉइंट ये है कि रेडियो न्यूक्लाइड जो हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है, ठीक है, वो रेडिएशन लो लेवल की इमेज करे, ठीक है। और वो दो तरह से हमारी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है, एक तो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो आउटसाइड ऑफ बॉडी से रेडिएशन डिटेक्ट करेगा वो थ्रू गैमा कैमरा होगा, ठीक है। या तो दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि वो हमारे बॉडी फ्लूइड के सैंपल से भी हमारी रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। दो तरह से रेडिएशन डिटेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। पहला ये है कि आउटसाइड ऑफ द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है, जो रेडिएशन लिमिट हो रही है उसको गैमा कैमरा डिटेक्ट करेगा। और दूसरा ये होगा कि हमारा जो भी हमारे पेशेंट का बॉडी फ्लूइड सैंपल होगा, जैसे कि प्लाज्मा है, यूरिन है, गैमा कैमरा उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रेडियो एक्टिव मटीरियल जो कि पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर किया गया है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक केमिकल मॉलिक्यूल और दूसरा जो रेडिएशन, दो तरह से इमिट हो रही है, ठीक है। बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे बनता है, रेडियो न्यूक्लाइड एजेंट प्लस बायोकेमिकल एजेंट मिलके हम आपस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं जो कि सुटेबल फॉर्म में होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दी है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की बेसिक एग्जांपल क्या है, जैसे टेक्नीशियम है, ठीक है, आयोडीन है, गेलियम है, इनकी हाफ लाइफ। अच्छा, जब हमने आगे रेडियो फार्मास्यूटिकल सारे डिटेल में पढ़ने, ब्रेन के लिए कौन सा, लिवर के लिए, ठीक है, रीनल स्कैन के लिए, उसके लिए हमें उसके पेरेंट एटम्स का भी पता होना चाहिए, डॉटर का भी पता होना चाहिए, ठीक है, हाफ लाइफ पता होनी चाहिए कि वो टारगेट का मतलब है कि वो कौन से ऑर्गन्स पे, कौन से स्ट्रक्चर पे जाके, कौन से सिस्टम पे जाके टारगेट करता है, ठीक है। तो हमें ये सारा कुछ भी पता चाहिए। कुछ एग्जाम्पल है टेक्नीशियम की, आयोडीन और गेलियम, ठीक है, और ये एमसीक्यू में भी आ जाती होती है। अच्छा, फिर आता है कि जी रेडियो फार्मास्यूटिकल, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है वो बना कैसे होता है, कंपोजिशन कैसे होती है। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और दूसरा कैरियर मॉलिक्यूल या टारगेट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होते हैं, इनकी टैगिंग होती है, ठीक है। फिर पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, हॉट लैब में, जिसके बाद जाके हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल बनता है, ठीक है। और ये फिर एक स्पेसिफिक ऑर्गन को जाके हमारी बॉडी में टारगेट करते हैं, हिट करते हैं और अपना फंक्शन जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और कैरियर मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं, तो हमारे पास ये हर ऑर्गन सिस्टम के लिए एक स्पेसिफिक होता है। जैसे लिवर के लिए है, वो अपना हीडा होगा उनका या डिस्टिडा होगा, ठीक है। अब रीनल स्कैन है, उसके लिए DTPA भी हो सकता है, ब्रेन स्कैन है, DMS से हो सकता है, MEB हो सकता है, ये डिफरेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बेसिकली
हमारा क्या सीन होता है वो हमने बता रहे हैं कि जी हमारी फिजियोलॉजी या फंक्शनिंग है वो सेल्युलर लेवल पर बताते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी आपकी बॉडी में जो परफॉर्म हो रही होती है उसको बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं। ऑलमोस्ट 85% रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं वाया थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, उन प्रोसेसेस को डिस्कस करने से पहले आप ये देख लीजिए, एक आपके सामने इमेज लगाई गई है, इसमें उसने बताया कि हम बेसिकली जो आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन है और उसमें रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो रेडियो ट्रेसर भी बोल सकते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल को हमने पेशेंट की वेन में इंजेक्ट किया, उसको हम थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही वो थोड़ी देर वेट के बाद आता है, फिर हम उसे गेंट्री में लेटाते हैं और अपना इमेजिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से गैमा रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर देती है। क्यों इमिट, कैसे इमिट करना शुरू कर देती है, कि जो रेडियो ट्रेसर हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया है वो अब डिके की तरफ आ गया। डिके कैसे होगा, वाया रेडियो वाया हाफ लाइफ वो अपने डिके करता है, ठीक है। और कैसे, जैसे अगर एक रेडियो आइसोटोप हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया, फॉर एग्जांपल उसकी जो हाफ लाइफ है वो अभी 50 है जिस वक्त हमने पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया, हाफ टाइम के बाद वो 25 रह जाएगी, ठीक है, फिर 25 के बाद वो 12.5 रह जाएगी, फिर वो 7.5 रह जाएगी, फिर वो 2.5, फिर 1.25, इस तरह करके वो फिर रह जाएगी, फिर इस तरह हमारी बॉडी से डिके होना शुरू हो जाएगा और गैमा रेडिएशन को इमिट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो भी हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक एरिया है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको इमेज करना शुरू कर देगा। फिर अच्छा, मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियली तीन मेथड्स की प्रोड्यूस होता है, ये बेसिकली एक उन्होंने पूरा सीक्वेंस दिखाया हुआ है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल तैयार कैसे होता है, उसके बाद शिपमेंट कैसे होती है, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है और एंड पे क्या होता है और हॉस्पिटल को कैसे पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, जो भी रेडियो फार्मास्यूटिकल हमारे पास हो हमने इस चीज को मेक श्योर करना है कि उसकी हाफ लाइफ जो वो शॉर्टर हाफ लाइफ के साथ हमारे पास आए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल है उसको हम ओवरनाइट उसकी शिपमेंट कराते हैं, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं कि जी ओवरनाइट हमें शिपिंग करे, ठीक है, क्योंकि उसकी शॉर्टर हाफ लाइफ होती है, रातों रात उसकी शिपिंग होती है। सुबह हॉट लैब में आपको पता है डिफरेंट लैब्स होंगी, ठीक है, हॉट लैब में फिर आप लोग की सुबह के टाइम सारा प्रोसेस हो जाता है, इंजन वगैरह होती है, ठीक है, उसको जनरेटर में रखा जाता है, डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उसके बाद हमारे पास एंड प्रोडक्ट निकल आता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट निकलता है उसके बाद जाके हम पेशेंट की बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं। तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले तीन रिएक्शन होते हैं, मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ, ये इंशाल्लाह मैं बता आपको कवर कराएंगी। तो तीन तरह के रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं, ठीक है, फिशन रिएक्शन जिसको आप कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन कह सकते हो, ठीक है, उसके बाय प्रोडक्ट के तौर पे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस होता है, पहला ये। दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन रिएक्शन के तौर पे जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो बाय ट्रांसम्यूटेशन हो रही होती है आपकी बॉडी के अंदर, ये एक्टिवेशन हो रही होती है, ठीक है, रेडियो न्यूक्लाइड की, उसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया आपके पास, पहला फिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, सेकंड या न्यूक्लियर रिएक्शन उसको आप कह सकते हो, दूसरा आपके पास न्यूट्रॉन रिएक्शन होगा, थर्ड वन आपके पास कौन सा होगा, साइक्लोट्रॉन या रिएक्टर में आपके पास बनते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक पार्टिकल एक्सीलरेटर यूज किया जाता है जिसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ठीक है, और वो आपके पास चार्ज पार्टिकल में जाके हिट करता है, बोम्बार्डमेंट होती है, उससे फिर हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये जो सबसे पहला अगर आप देखो, इसमें साइक्लोट्रॉन और रिएक्टर दिखाया हुआ है, बेसिकली ये मेथड है, तरीका है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है, ये दोनों, ये इन मेथड से हमारे पास जो है वो हमारे पास रेडियो ट्रेसर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जब रेडियो ट्रेसर हमारे पास प्रोड्यूस हो गया, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि उसकी शिपमेंट होती है, सेकंड मेथड प्रोडक्शन के बाद होती है शिपमेंट के, जहाँ पे हमने उसको बनाया, उसके बाद आके हमने उसको शिपमेंट करनी है कि वो कौन से हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल के उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है, वहाँ पे हम भेज देंगे। अच्छा, भेजने से पहले हमने क्या क्या चीजें जो है वो हम लोगों ने परफॉर्म करनी होती है, हमने उसकी को हमने क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करना होता है, ठीक है, क्वालिटी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमने परफॉर्म करने होते हैं, प्यूरिफिकेशन करनी होती है, डिस्पेंसिंग करनी होती है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको शिप करने से पहले हमने उसकी लेबलिंग करनी है, ठीक
ठीक है, उसके ऊपर उसकी नाम वगैरह, उसकी सारा टैगिंग, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी जिसको हम शेल्फ लाइफ कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, ठीक है, हमें वो पता होनी चाहिए, हमने वो सारा कुछ मेंशन करना होता है, ऊपर कितना कंटेंट वगैरह है। बेसिकली ये सारा जो है ना, ये अभी रेडियो फार्मास्यूटिकल वापस तैयार हो रहा है, फिर उसकी डिस्पेंसिंग करनी होती है, फिर स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर क्वालिटी कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है, फिर इन सब मेथड्स के बाद जाके पैकिंग होती है, ठीक है, हम उसको एक स्पेसिफिक पैकिंग में रखते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक पैकिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं लीकेज ना हो, प्रॉपर हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। फिर हमने उसको उसकी मेंटेनेंस हो गई, ठीक है, हमने देखना है कि जी हमारा जो रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो हमारे पास नेशनल या रीजनल हेल्थ अथॉरिटीज है उनके साथ वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो, ठीक है, और जो हमारे पास सीजीएमपी के प्रोटोकॉल हैं या कोड्स हैं उनके साथ वो कंप्लाई करें। सीजीएमपी क्या है? बेसिकली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या प्रैक्टिसेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, उसको फॉलो करें, ठीक है, जैसे जैसे इन सब चीज़ों को फॉलो करेगा उसके बाद जाके हम पैकिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद हम रिक्वायर्ड हॉस्पिटल में उसको शिप कर देंगे, ठीक है। फिर जब हमने शिपमेंट की, हमारे पास सुबह रात को रात शिपमेंट हुई, सुबह हॉट लैब में आके हमने सारा प्रोसीजर परफॉर्म किया। अच्छा, न्यूक्लियर मेडिसिन में हर चीज का डिफरेंट लैब होती है, जैसे हॉट लैब में हमने इंजेक्शन का प्रोसेस किया, पेशेंट का स्कैन अलग परफॉर्म में, पेशेंट का स्कैन अलग रूम में होगा, ठीक है, वो वेट अलग वेटिंग एरिया उसके लिए अलग होगा, ठीक है, जब उसका स्कैन परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद जब उसको थोड़ी देर के लिए रखा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी रेडिएशन डिपेंड कर रही होती है, वो अलग रूम होता है, ठीक है, फिर के डोज को हम कैलिब्रेट कैसे करते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कौन से रूम में होगी, हर चीज के लिए सेपरेट लैब होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक प्रोडक्शन का मेथड था। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है हमारे पास उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए कि गैमेट एम रेडिएशन लिमिट करनी चाहिए, शॉर्टर हाफ लाइफ होनी चाहिए, चीप होना चाहिए, रेडली अवेलेबल होना चाहिए, और वो तकरीबन उसकी एनर्जी जो है वो 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो गैमा रेडिएशन को इस रेंज में रहते हुए डिटेक्ट कर सके गैमा। अच्छा, अब आप लोग की ये जो एनर्जी की वैल्यू हो सकता है कि बुक में डिफरेंट लिखी हुई हो, तो आप लोग अपनी बुक को भी फॉलो कर लिएगा। आई थिंक बुक में आपकी 100-300 के ई भी लिखी हुई है, लेकिन आप लोग के एडिशन पर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने हर एक रेडियो फार्मास्यूटिकल को सिलेक्ट करने से पहले, उसको डिजाइन करने से पहले कुछ स्पेसिफिक कंसिडरेशन होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है, बेसिकली वो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उसके बाद हमने देखना होता है कि रेडियो न्यूक्लाइड को हमने किन बेसिस पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसके जो बायोकेमिकल नेचर है उसकी बेसिस पे रेडिएशन डोज जो हम पेशेंट को करेंगे उसको कैलिब्रेट कैसे करना है, हाफ लाइफ, ये सारी चीजें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, ठीक है, कि रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है जैसे हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक और थेरापीटिक पर्पसेस के लिए यूज हो रही होती है, ठीक है, डायग्नोस्टिक एप्लीकेशंस में रेडियो थेरेपी, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक और रिसर्च एप्लीकेशन में वहाँ पर रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है, ठीक है, वो जो फर्स्टली एस्टेब्लिश हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल था वो रेडियो आयोडीन था, दैट इज आयोडीन 131 1946 में उसको डिस्कवर किया गया था, और वो स्पेसिफिकली थायराइड कैंसर के पेशेंट्स या हाइपोथायरॉइडिज्म या विस्टेनिया ग्रेविस या मल्टी नोड्यूलर गोइटर इन सब चीजों के लिए हमारे पास रेडियो आयोडीन को हम लोगों ने आयोडीन 31 31 हम यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे पहले डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन, ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमने आगे पूरे डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह भी याद कर लोगे कि कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल किस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक है तो ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। आप डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये फॉस्फोरस 32 यहाँ पे ये एक ये दो चीजें ऐसे लिखी हुई है क्योंकि एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक मास है, एक एटॉमिक नंबर को हम जी से करते हैं और एटॉमिक मास को हम ए से करते हैं डिनोट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉस्फोरस हम बेसिकली आई ब्रेन स्किन के लिए यूज करते हैं, क्रोमियम हमारे पास जी आई टी के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, कोबाल्ट जो है या ठीक है वो बेसिकली हम मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो होते हैं या एनीमिया वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको ज्यादा कोई हमारे पास एबनॉर्मेलिटी शो रही होती है, क्लिनिकल कंडीशन शो रही होती है, उसमें हम यूज करते हैं। फिर रेडियोथेरेपी क्या होता है, बेसिकली ये हम कैंसरस पेशेंट्स में यूज करते हैं कि उनका जो भी हमारे पास मैलिग्नेंट सेल होता है बेसिकली उसको टारगेट बनाते हुए हम उसी स्पेसिफिक एरिया पे रेडिएशन हिट करते हैं, ठीक है,
और उसमें हम बेसिकली बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन दोनों यूज कर रहे होते हैं। गैमा रेडिएशन की मैंने कल भी एक बात की थी कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, ताकि जितने भी हमारे पास डीप सीटेड ट्यूमर है यानी जो कि अंदर तक हमारे फैल चुके हैं उनको ये हिट करता है जाके, जैसे आयोडीन है, ठीक है, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है, ये ट्रिम है, ठीक है, ये जितना भी हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं जॉइंट की कंडीशन के साथ उनमें यूज करते हैं, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये पॉलीसाइथेमिया वगैरह के पेशेंट्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक में भी यूज होता है, ठीक है। अभी मैंने पहले भी बताया कि जिस वक्त हम रेडियो फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या उसके बाद भी हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक जो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम कोबाल को बेसिकली यूज कर रहे होते हैं। फिर रिसर्च एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या रेडियो फार्मास्यूटिकल सेफ है, जैसे अब हमने जब हम कंट्रास्ट पढ़ते थे, ऑब्वियसली कुछ कंट्रास्ट हम बॉडी पे पेशेंट की देते थे तो कुछ सेफ भी थे, लेकिन रिस्क वर्सेस बेनिफिट की रेशियो पे हम देते थे, ठीक है, क्योंकि उसके रिस्क भी हो सकते थे। इसी तरह रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का भी यही सीन है कि हम उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में पेशेंट की बॉडी में देते हैं, ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं कि हम उसको ट्रेसर क्वांटिटीज में देते हैं और एक सिंगल डोज में पेशेंट की बॉडी में दे देते हैं, ठीक है, ट्रेसर क्वांटिटीज में देते हैं और सिंगल डोज में दे देते हैं ताकि वो कोई खास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस ना करे बॉडी में, ठीक है। जिस तरह हम रेडियोग्राफ्स के लिए, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स के लिए, कंट्रास्ट प्रोसीजर्स के लिए हम पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते थे, उसी तरह आपने न्यूक्लियर मेडिसिन में भी पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, एक प्रॉपर फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, उसमें आपने मेक श्योर करना है कि पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो, ठीक है, योर पेशेंट माइट नॉट बी प्रेग्नेंट, ठीक है, अगर फीमेल पेशेंट है ऑब्वियसली फिट है। रेडियोग्राफ में कम रेडिएशन थी लेकिन फिर भी हम मेक श्योर करते थे रेडिएशन प्रोटेक्शन को, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन में कॉन्टिन्यूसली पेशेंट की बॉडी से रेडिएशन लिमिट हो रही है क्योंकि पेशेंट इटसेल्फ सोर्स है, तो हमने मेक श्योर करना है कि पेशेंट हमारा प्रेग्नेंट ना हो, फीमेल पेशेंट जो आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा फीटस जो है हमने उसको बचाना है रेडिएशन के इफेक्ट से, ठीक है। फिर आपने ये भी मेक श्योर करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है, ठीक है, उनको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। और अगर आपके पास एक पेशेंट आया इन केस वो डी फीडिंग करवा रही है, ठीक है, और उसको हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया है, इन सब कोई भी केस हो सकता है जिसकी वजह से उसका स्कैन परफॉर्म करना पड़ा है, एनएम स्कैन, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर हमें ये होगा कि जब हमने उसकी बॉडी में रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट किया, उसने स्कैन परफॉर्म किया, तो उसके बाद हमने उसको बताना हमारा काम है कि अभी आपने फिलहाल कितने टाइम तक आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल अभी तो एब्जॉर्ब हुआ हुआ है ना, ठीक है, वो रिएक्ट कर सकता है, बेबी को भी आगे जाके नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, तो अभी फिलहाल आपने कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, ठीक है। और अगर बच्चों के लिए हमने न्यूक्लियर मेडिसिन का स्कैन करना पड़ जाए, जैसे मेलिग्नेंट कंडीशन में या कोई भी कंडीशन हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन, बच्चों में कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमने मेक श्योर करना है कि बहुत कम क्वांटिटी में पेशेंट के को, अगर बेबी पेशेंट है तो उसको हम कम क्वांटिटी में रेडिएशन दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक रेडियो फार्मास्यूटिकल जो हमारे पास होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या क्या चीजें हमने फॉलो करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वो पढ़ेंगे। ओके, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।